इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियां, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। तो वीडियो देखने से भी लोग राम राम, और एक और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। तो जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम जाने वाले हैं एक ऐसे मंदिर जहाँ पर, जिस मंदिर को भूतों ने बनाया था, और मैंने कहा था कि जिन लोगों को पता हो वो कमेंट करके बताना कि मैं किस मंदिर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अभी हम निकल चुके हैं, सुबह के बज रहे हैं 6:30, और हम जा रहे हैं सिहोनिया। और सिहोनिया के नाम से तो शायद अब काफ़ी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचते हैं और मिलते हैं मंदिर पर। ये मुझे पहला व्यू दिखा इस अधूरे से दिखने वाले ककनमठ मंदिर का, और इसे देखकर जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आया वो ये कि इसे बनाने के लिए इतने सारे पत्थर, और वो भी 11वीं शताब्दी में, कहाँ से और कैसे लाए गए होंगे। क्योंकि यहाँ इसके अलावा, इसके आसपास, इसके समय के किसी और स्मारक का नामो निशान भी नहीं मिलता, और इस तरह के पत्थर भी यहाँ दूर दूर तक देखने को नहीं मिलते। जैसे जैसे मैं इसके नज़दीक पहुंच रहा था, कुछ बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। आमतौर पर जब हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहां काफ़ी चहल पहल देखने को मिलती है, लेकिन यहां एकदम सन्नाटा था। जब हम यहां पहुंचे तो यहां एक बहुत ही अजीब सी शांति थी, एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। चारों तरफ मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े थे। जब हम अंदर पहुंचे तो यहाँ हमारे अलावा हमें पार्किंग की रेलिंग पर बैठा हुआ बस एक मोर दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा ही इंतजार कर रहा था, लेकिन हमें देखते ही वो भी भाग गया। तो ये आ गए हम ककनमठ मंदिर, और ये गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, और मेरी गाड़ी की खिड़की से ये व्यू मंदिर का गजब दिख रहा है। ये पार्किंग है, पार्किंग का ये एरिया है, यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है। और यहाँ अभी इस पूरे मंदिर के कैंपस में सिर्फ हम दो लोग हैं, और पार्किंग के जस्ट बाहर ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पर विज़िटर्स के लिए, जैसे कि जो उसका खुलने का टाइम है, मतलब टाइम कुछ फिक्स नहीं है, ये सूर्योदय और सूर्यास्त पर डिपेंड करता है कि कब सनराइज़ होगा और कब सनसेट होगा, और उसी टाइम पर यहाँ पर आने की सलाह दी जाती है कि सनराइज़ के बाद ही यहाँ पर आएं और सनसेट के बाद यहाँ पर ना रुकें। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इस मंदिर को नज़दीक से। ये मंदिर जो है ये एक काफ़ी ऊँचे से चबूतरे बना हुआ है, इस चबूतरे की हाइट होगी करीब 10 फुट के आसपास, और ये मंदिर के चबूतरे पर बाहर की तरफ ये कुछ अलमारी के जैसे खाने बने हुए हैं, और इन पर ज़्यादा लोगों की नज़र जाती नहीं है, लेकिन इसमें मैं एक ख़ास बात आपको दिखाता हूँ। इसके किनारे पर बनी हुई ये छोटी छोटी मूर्तियाँ देखो, और इसमें डिटेल देखो, ये दिख रही है आपको, ये छोटी छोटी बीड्स बनी हुई हैं, ये गजब की डिटेल्स हैं। और नज़दीक से दिखाता हूँ, ये इसके अंदर जो हाथ में एक ये कुछ गधा टाइप का है कुछ पकड़ा हुआ है, उसकी मतलब बारीक लाइनें भी दिखाई दे रही हैं, ये हल्की हल्की बीड्स बनी हुई हैं, मतलब इतनी डिटेल्ड इसके अंदर पत्थर की कार्विंग की गई है। ये एक ड्रैगन टाइप का एक जानवर बना हुआ है, इतना परफेक्ट डिज़ाइन
और इतनी बारीक नक्काशी के साथ। और ये आज से करीब 1000 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहुनिया गांव में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर बहुत हद तक ध्वस्त हो चुका है, लेकिन इसके अवशेष ये साफ दर्शाते हैं कि यह अपने समय में कितना भव्य रहा होगा। एक जमाने में सिहुनिया नाम की यह जगह सिंहपाणी कहलाती थी और यह ककनमठ मंदिर यहां का मुख्य आकर्षण हुआ करता था। आज भी सिहुनिया की दुनिया भर में पहचान ककनमठ मंदिर की वजह से ही बनी हुई है। 11वीं सदी में राजा कीर्तिराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि राजा कीर्तिराज की पत्नी महारानी ककनावती भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्हीं के कहने पर इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था और इसीलिए इसका नाम ककनमठ रखा गया। मंदिर की ऊंचाई लगभग 100 फीट है और इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए चूने या सीमेंट जैसी किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस पत्थरों को एक के ऊपर एक टिकाया गया है। मंदिर के ऊपर ये इतने बड़े बड़े पत्थर, बस इनके हल्के हल्के किनारे टिके हुए हैं और इतनी तेज हवा चल रही है और ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब मंदिर इन हजार सालों में पता नहीं कितनी बार तूफान आए होंगे, कितनी बार भूकंप आए होंगे, ये मंदिर उन सब चीज़ों को झेल करके आज भी ऐसे कैसा खड़ा है। इस मंदिर में एक गर्भगृह है जहां आज भी भगवान शिव की पूजा की जाती है। यहां सर्पनाग की निकलती है, नाग बहुत है यहां, पर दिखते नहीं है क्योंकि यहां अगर दिखेगा तो जनता भयभीत हो जाएगी। ये नाग नहीं दिखते, पांच फन वाला नाग सावन के महीने में दिखता है, सिर्फ सोमवार को दिखता है। दिखता है और जब किसी बंदे का या किसी व्यक्ति का परमात्मा से ज्यादा लगाव होता है उसी को दिखेगा, ना किसी को। अच्छा, सावन के महीने में। सावन तो उस सावन के महीने को विशेष दिन है या फिर नहीं? सर वो उनका दिन महत्व दिन है भगवान का, सोमवार के दिन। सोमवार का सावन में हर सोमवार को। हर सोमवार सावन का। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के बाहर ये जो दीवारों पर कुछ मूर्तियां उकेरी गई हैं, अब जैसे कि ये एक मूर्ति है, इसकी डिटेल देखो, मतलब क्या डिटेल्ड तरीके से इसको बनाया गया है। ये सर के ऊपर जो बाल हैं उन तक की लाइन इतनी क्लियर उकेरी गई हैं, देखो आप, मतलब इन मूर्तियों के अंदर डिटेल देखो। और ये मूर्तियाँ कम से कम हजार साल पुरानी हैं। ये खाती की टूटी हुई मूर्ति है और ये छेनी थोड़े से तोड़ी गई मूर्तियाँ हैं, जिनको कि जो बाहर से जो शासक आए, लुटेरे आए, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। और यहाँ पर देखो ये हाथी की पीठ पर जो इसका डिज़ाइन बना हुआ है, बारीक डिज़ाइन, ये देखो कलश जो बना हुआ है उसका डिज़ाइन देखो। ये पत्थर के ऊपर, इतने बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर इतनी बारीक नक्काशी करना, और आज से 1000 साल पहले, मतलब बहुत ही अद्भुत बात है। और इसमें जो एक और गजब की बात है वो आप ये देखो, सिमेट्री। ये गर्भगृह के बाहर वाली दीवार है और ये है उसका राइट हैंड साइड वाला हिस्सा जिसपे कि ये मूर्तियां बनी हुई हैं। और अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा और सेम इसी टाइप की मूर्तियां इस दीवार पर बनी हुई हैं। इस मंदिर में दो मंडप हैं जिन्हें मुख मंडप और गूढ़ मंडप कहा जाता है। मंदिर के मंच पर चढ़ते ही आपको मुख मंडप दिखेगा जो अब ध्वस्त हो चुका है, लेकिन दो सुंदर स्तंभ आज भी खड़े हैं। और यहाँ पर देखो ये पत्थर पे
कुछ लिखा भी हुआ है, देव देवम माता देवम, और आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं, ये शायद कोई श्लोक है। तो ये 1000 साल पुराना पत्थर पर रखे हुआ एक श्लोक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या लिखा हुआ है। मंदिर के अंदर गर्भगृह के बाहर ही गुड़ मंडप है। इस मंडप में चार चार स्तंभों के चार समूह हैं। इस मंदिर को देखने पर लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि इसे भूतों ने एक रात में बनाया था, लेकिन बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों को काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। इसमें एक जो कहानी सुनने को मिलती है कि ये भूतों ने बनाया था, क्या कुछ है? भूत ही थे वो। अच्छा, इंसान नहीं, भूत मतलब इंसान नहीं थे वो, भूत ही थे। क्योंकि 11 फुट की आठ किसी की, किसी की 12 फुट की आठ। अभी प्रेजेंट में मैंने देखा 7.5-7 फुट का, अभी देखा जवान में, तब ज्यादा मेरी उम्र होगी 12 साल की। अच्छा, तब मैंने यहाँ देखा 8.5 फुट का, कम से कम 20 लोग देखे मैंने सुन लिया। अच्छा, 8.5 के 7 के 8.5 के 7 के एक एक क्विंटल 20-20 किलो वजन था हम लोगों के अंदर। अच्छा, तो सब पहले के 1000 वर्ष पुराने पहले के ऐसे जवान होंगे आप। हाँ, क्योंकि इतने भारी भारी पत्थर और इतने ऊपर पहुँचाने। नहीं तो सर, वो ऐसा है, इसमें ऐसे चबूतरा नहीं था, ऐसे एक पत्थर रख लिया, फिर जो मिट्टी के जो पहाड़ों के जो ढेर लगे हैं ना, वो लगा लिए, फिर उस हिसाब से और बढ़ा दिया, फिर वो लगा लिए, फिर ऐसे ही बिल्कुल कम्प्लीट करके फिर उसको नीचे को सबको मटेरियल हटाया। क्योंकि बलवान तो थे ही वो। एक बंदा ने ये मतलब उसका पुलर खड़ा किया, ये मान के चलिए ये भीम खड़ा किया, इतने बलवान हाथियों के द्वारा और घोड़ों के द्वारा ऊपर पत्थर ले गए, सैलाब वहां से और बना लिया वरना चढ़ने के लिए, तो इसी प्रकार से ये बनाया हुआ है और ऐसे ले गए। ककनमठ मंदिर में बेहतरीन कारीगरी की गई है, दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी है और उन पर देवी देवताओं की मूर्तियां भी बहुत खूबसूरती से उकेरी गई हैं। क्योंकि ये एक शिव मंदिर है तो यहाँ गणेश, कार्तिकेय और पार्वती की भी मूर्तियां हैं। वैसे तो ये पूरा पूरा मंदिर ही बहुत ही अनोखा है, लेकिन इसमें मुझे एक बहुत ही अनोखी चीज मिली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये एक पत्थर का बॉक्स बना हुआ है और लोगों ने इसके अंदर गंदगी मचा रखी है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको गंदगी नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसके अंदर आपको दिखा रहा हूँ ये जो छेद बने हुए हैं। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा है कि इस तरीके से एक पत्थर को अंदर से खोखला करके और उसके अंदर इस तरीके से ये छेद बनाने का क्या कारण हो सकता है। अगर आप में से किसी को समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये डब्बा जो बनाया गया है पत्थर का, ये किस काम के लिए बनाया होगा। ये बहुत ही अनोखा है, इस तरीके की चीज़ मैंने पहले कहीं नहीं देखी, मतलब एक पत्थर का बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर 6 छेद। अब वो किस लिए हैं ये पता नहीं, और ये इतना भारी है कि इसको अगर मैं हिलाने की कोशिश करूँ ना
तो हिल भी नहीं रहा है, मतलब ये कम से कम 500-600 मतलब ज़्यादा होगा, बहुत बड़ा पत्थर काट करके उसको बीच में से खोखला करके तब उसको बनाया गया, और खोखला करने के बाद भी इतना भारी है कि ये पूरा जोर लगाने पे मतलब 1 इंच तो दूर मतलब 1 mm भी नहीं हिला। और इससे कई गुना बड़े पत्थर इस मंदिर के बिल्कुल टॉप पर रखा गया है। अब ये समझ के बाहर है कि ये इतना बड़ा पत्थर मंदिर के बिल्कुल टॉप तक कैसे पहुंचाया होगा। और यहाँ पर एक ये पानी का कुआं भी है, और इसको देखते हैं अंदर क्या है। इसके अंदर ओ भाई साहब बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। पहले किसी ज़माने में इसमें पानी इकट्ठा होता होगा, लेकिन अब तो ये सूखा पड़ा है और अंदर इसमें कबूतरों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसकी बनावट देखो, 1000 साल पुराना कुआ, और इसके अंदर पत्थरों को ये देखो कितनी सटीकता से काट कर एक दूसरे के ऊपर फिट किया गया है। लेकिन इसके अंदर ये सीमेंट मतलब चूने वगैरह का इस्तेमाल किया गया है उसको बनाने के लिए, तो ये तो शायद बाद में बना हुआ है, मतलब जो देखने में लग रहा है इस मंदिर के बाद का बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये जो कुआ है इसको भी भूतों ने बनाया था, कि रात को उनको प्यास लगी तो उन्होंने कुएं को खोदा और पानी पीने के लिए इसका इस्तेमाल उन्होंने किया जिस रात में उन्होंने इस कुएं को बनाया। और इसमें देखो मैं आपको 1000 साल पहले की टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये पत्थर वैसे तो पत्थर का टुकड़ा, एक नॉर्मल पत्थर का टुकड़ा लग रहा हुआ, लेकिन ये देखो इस पत्थर के टुकड़े के अंदर ये छेद किया हुआ है, और सेम इसी टाइप का एक और पत्थर, हाँ सेम इसी टाइप का पत्थर यहाँ पर है। और ये पत्थर इस जगह पर खड़ी पोजीशन में रखे होंगे, और इसके बीच में एक रॉड लगी होगी, रॉड भी शायद पत्थर की ही होगी, अब तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है, जिसका कि इस्तेमाल पानी निकालने के लिए किया जाता होगा, जैसे कि मॉडर्न डे जो कुएं हुआ करते थे। अब तो खैर कुएं नहीं इतना देखने में मिलते, लेकिन जो कुएं में जो पुली लगा करके बाल्टी से पानी निकाला जाता था ये उस काम के लिए थे। एक समय था जब ये ककनमठ मंदिर ऐसे और भी कई छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ था। अब वो मंदिर यहाँ नहीं है, लेकिन उनके अवशेष आज भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मुरैना जिले के कई ऐतिहासिक स्मारकों के बीच अपनी मजबूत पहचान के साथ कायम ककनमठ मंदिर की शैली खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती है। जब आप यहाँ आएंगे तो आप इन मंदिरों को बनाने वाले लोगों की कला की तारीफ करे बिना नहीं रह पाओगे।